ब्रह्मपुरी तहसील धान उत्पादन तहसील के तौर पर पहचाना जाता है। इसमें किसानों की धान पिसाई करने के लिए बड़े पैमाने पर राइस मिल भी उपलब्ध है। कंपनी में खाद्य तेल तैयार करने की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को रोजगार मिला। ब्रह्मपुरी तहसील धान उत्पादक तहसील के तौर पर पहचाना जाता है। इसमें किसानों की धान पिसाई करने के लिए बड़े पैमाने पर राइस मिल भी उपलब्ध है। धान पिसाई करने के बाद इसमें कुकूस निकलता है। पहले इस कुकूस का इस्तेमाल जानवरों को खाने के लिए होता है, लेकिन इस कुकूस पर प्रक्रिया कर सन 2009 में रामदेव बाबा साल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खाद्य तेल तैयार करने शुरुआत की गई। खाद्य तेल की कंपनी तहसील में निर्माण होने से किसानों के धान को योग्य दर में भाव मिल रहा है। उसी में तहसील के और परिसर के 800 से 900 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे कई परिवार के लोगों की उपजीविका कंपनी की ओर से मिलने वाले पगार पर चल रही है। सालवन कंपनी में तैयार होने वाले तुलसी धारा खाद्य तेल में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तहसील में जिले के साथ पर राज्य में भी खाद्य तेल की बड़े पैमाने पर मांग बढ़ रही है। 23 सितंबर 2021 को रामदेव बाबा साल्वेंट कंपनी को गोवा में द्वितीय पुरस्कार मिला, जिससे इस कंपनी ने तहसील के साथ जिले का अभिमान ऊंचाया है। सिटी केबल समाचार चंद्रपुर के लिए ब्रह्मपुरी से प्रतिनिधि विनोद दोनाड़कर की रिपोर्ट।